Drop it. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूनिक डेवलपर। एंड आज की इस वीडियो में बेसिकली आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा जावा में एक फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, वो आपको बताने वाला हूं मैं आप इस सीरीज़ में मैं आपको एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाकर दिखाऊंगा, एप्लीकेशन बोल सकते हो बेसिकली। आप इसे अपने प्रोजेक्ट में भी दिखा सकते हो, ओके, ग्रेजुएशन के प्रोजेक्ट में दिखा सकते हो। और इस प्रोजेक्ट का नाम है फीस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। सो मैं आपको स्टार्ट टू एंड इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है वो पूरा गाइड करूँगा विथ कोडिंग, ओके। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और मैं आपको हर एक कोडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पर। ऐसा नहीं कि बस मैं कोडिंग करते रहूँगा और आप देखते रहेंगे, ओके। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपर। तो आइए एक बार मैं आपको सॉफ्टवेयर पहले रन करके दिखा देता हूँ कैसा हम क्या बनाने वाले, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा लॉगिन पेज है। पहले फर्स्ट तो यूज़र को लॉगिन करना ही पड़ता है, तो अगर उसका अकाउंट नहीं है तो हम उसे साइन अप कराएंगे बेसिकली एडमिन के लिए, जो कॉलेज में जो फीस कलेक्ट करते हैं एडमिन्स उनके लिए है, ओके। तो ये साइन अप करने के लिए पहले फर्स्ट नेम एंटर करना है, और जो हम यहाँ पर कुछ भी इस प्रोजेक्ट में हम जो कुछ भी बनाने वाले सब वैलिडेशन के साथ है गाइस, मैं आपको बता दूँ प्रॉपर वैलिडेशन के साथ हम इस प्रोजेक्ट को करने वाले हैं पूरा। तो मैं आपको दिखा दूँ, अगर यूज़र ने कुछ भी एंटर नहीं किया यहाँ पर और साइन अप कर रहा है तो उसे मैसेज थ्रो होगा प्लीज़ एंटर फर्स्ट नेम, ओके। सो पूरा प्रॉपर वैलिडेशन कैसे करना है मैं आपको पूरा बताऊँगा स्टार्ट टू एंड। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए, और मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, और एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि अगर आप एक वीडियो मिस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप एक फ्लो में चलिए मेरे साथ और आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ आपको, ओके। सो यहाँ पर फर्स्ट नेम, तो मैं फ़र्स्ट नेम डाल देता हूँ यूनिक, ओके। और सेकेंड नेम डेवलपर, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पासवर्ड डालना है मुझे, तो मैं पासवर्ड डालता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एक मैसेज आ रहा है, लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 8। तो ये क्या है, ये एक वैलिडेशन है जो बहुत ज़रूरी होती है हर एक फॉर्म में। तो मैं पासवर्ड डालता हूँ, ओके, पासवर्ड क्रिएट करो बेसिकली, ओके। जैसे देखा मैंने 9 डिजिट का पासवर्ड डाला तो मैसेज गायब हो गया, ओके। और बेसिकली यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड होना चाहिए, तो सो ये कन्फर्म पासवर्ड है। अब ऐसे मैंने गलती से पासवर्ड लिख दिया शायद, तो ये कंफर्म पासवर्ड रहेगा, तो हमें पासवर्ड को कंफर्म कराना है। तो मैं इसमें एक्चुअली पहले मैं गलत पासवर्ड डालता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं डेट ऑफ बर्थ यूज़र एंटर करें, और कॉन्टैक्ट नंबर भी गाय 10 डिजिट का होना चाहिए। अब देख सकते हैं अगर मैं इसके बाद 11वां डिजिट डालूँगा तो ये मुझे मैसेज थ्रू करेगा, कॉन्टैक्ट नंबर शुड बी ऑफ 10 डिजिट, ओके। सो ये भी 10 डिजिट का होना चाहिए। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पासवर्ड गलत डाला है, यहाँ पे कंफर्म करते टाइम मैंने 1 डिजिट ज़्यादा डाल दिया है। तो अगर मैं साइन अप करूँगा तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ रहा है पासवर्ड नॉट मैच्ड, ओके। तो मैं इसे हटाता हूँ, अब दोनों पासवर्ड सेम हो गए, अब मैं साइन अप करता हूँ। तो देख सकते हैं अब यहाँ पर मैसेज आ रहा है मुझे, अकाउंट क्रिएटेड, यू आर ऑल सेट टू लॉग इन। और मैं जैसे ओके करूँगा ये हमें लॉग इन पेज पर लेकर जाएगा, ओके। तो मैं अब जो मैंने यहाँ पर यूज़र नेम से क्रिएट किया था वो मैं यहाँ पर डाल के लॉग इन करूँगा, जो बेसिकली एडमिन जो होगा कॉलेज का, वो या कोई भी इंस्टीट्यूट। अब ये फीस मैनेजमेंट सिस्टम कोई किसी कॉलेज के लिए या किसी इंस्टीट्यूट के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए, या जो प्राइवेट क्लासेस है तो उनके लिए बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ओके। अब मैं लॉगिन करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे मैसेज आया लॉगिन सक्सेसफुल, और जैसे ही मैं ओके करूँगा ये मेरा होम पेज आ जाएगा, ओके। सो ये हमारा होम पेज है बेसिकली, यहाँ पर आप जो जिस इंस्टीट्यूट के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका नाम आएगा, या आप किसी कॉलेज का नाम दे सकते हैं, ओके। और यहाँ पर ये सारे हमारे मॉड्यूल्स है, तो ये ऐड फीस मतलब कोई अगर नया यूज़र कॉलेज में आता है या कहीं क्लासेस में एडमिशन लेता है तो उसकी पहले फ़ीस हमें जमा करनी होगी। तो यहाँ पे अब मैं क्लिक करूँगा, देखिए हमारा फ़ीस का पैनल खुल गया है। यहाँ से हमें डिटेल्स लेनी है, यूज़र मतलब जो स्टूडेंट होगा उसकी डिटेल्स लेनी है और फिल करनी है, ओके। तो यहाँ पर रिसिप्ट नंबर ऑलरेडी मैंने 9 रिसिप्ट जनरेट कर चुकी है, तो ये 10वीं रिसिप्ट है। इसके लिए यहाँ पर रिसिप्ट नंबर आप देख सकते हैं 10 दिखा रहा है, और ये SOC मतलब मैंने स्कूल ऑफ कॉमर्स, मेरे मतलब इंस्टीट्यूट जो है उसका नाम था यहाँ पर, तो मैंने SOC लिखा है। आप कुछ भी दे सकते हैं, प्रीफिक्स होता है ना बेसिकली जो रिसिप्ट नंबर के पहले, मैंने वो दिया था यहाँ पर। तो मेरे ये 10वां रिकॉर्ड है मेरा जो डेटाबेस में जा सकता। और अब यहाँ पर मेन बात देखिए, अभी यहाँ पर है मोड ऑफ़ पेमेंट, तो यूज़र कैसे भी पेमेंट कर सकता है, चेक से, DD से, कैश से, कार्ड से।
तो ये चार ऑप्शंस मैंने दिए यहाँ पर। अगर यूज़र कैश से पेमेंट करता तो उसका यहाँ से हम यहाँ पर नाम लिख के सीधा एंट्री कर सकते, बट अगर वो DD से देता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो टेक्स्ट फील्ड और आ गए जिसमें हमें DD नंबर लेना है और यहाँ पर बैंक का नाम कौन से बैंक की वो DD है, ओके। और अगर यूज़र चेक से देता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चेक नंबर के लिए एक फील्ड आ गई, हमें यहाँ पर चेक नंबर लेना है और बैंक का नाम लेना है यूज़र से और उसे डेटाबेस में फिल करना है, ओके। अगर कार्ड है तो कार्ड मतलब ATM कार्ड, सब अलग अलग मेथड्स होते हैं पेमेंट के, तो यहाँ पर बैंक कार्ड है तो सिर्फ बैंक नेम ले लीजिए, उसका बैंक नेम डाल के आप सबमिट कर सकते हैं। तो अगर गाइस अगर आप देखेंगे, अगर मैं अभी प्रिंट करना चाहूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर मुझे स्टार फील्ड्स मतलब इंपॉर्टेंट फील्ड सारे के ये सब मुझे फिल करना है, और ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर में कि आप वैलिडेशन प्रॉपर करें, क्योंकि अगर वैलिडेशन नहीं होगा तो बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर बैंक नेम, इंटर रिसीव नंबर, मैंने कुछ डाला नहीं था इसलिए प्रिंट कर रहा था। तो अगर तो मैं पहले चलो कार्ड से पेमेंट लेते तो मैं बैंक का नाम डाल देता हूँ बैंक ऑफ इंडिया, रिसीव फ्रॉम तो मैं रिसीव फ्रॉम में अपना ही नाम डाल देता हूँ चैनल का, ओके। तो ये 2018 और 2019 में जमा हो रहा है फीस। और ये जो कोर्सेज है ना गाइस, ये कोर्स जो दिख रहे हैं ना आपको जावा पाइथन, ये बेसिकली कोर्स टेबल है हमारे पास, एक सेपरेट कोर्सेज के लिए एक अलग टेबल है, उसमें वहाँ से ये कोर्स आ रही है। एक चेक अब ये एक कॉम्बो बॉक्स है, इसमें जो डेटा आ रहा है ना ये एक अलग टेबल से आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक मॉड्यूल, ये नेविगेशन बार है, यहाँ से नेविगेट करेंगे। अब मैं आपको पूरा बताऊँ कैसे बनाना है, अब बस फॉलो करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कोर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर एडिट कोर्सेज का एक मॉड्यूल है मैंने बनाया, तो अब इस पर जाएंगे ना, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारा कोर्स का पैनल, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ छोटा ही रखता हूँ। तो यहाँ पर कोर्स आईडी है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास जो दो कोर्सेज वहाँ पर दिखा रहे थे वो यहाँ पर जावा पाइथन दिखाता हूँ एक बार दिखा देता हूँ आपको, सॉरी हेड फीस। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे पास कोर्सेज में जावा पाइथन है, ओके। तो इसलिए यहाँ पर क्यों यहाँ पे जावा पाइथन दिखा रहा है, बिकॉज मैंने हमारे कोर्स टेबल में अभी तक सिर्फ दो ही कोर्स है, ओके। तो जो कोर्स होगा उसी के लिए स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा ना, अगर कोर्स है ही नहीं हमारे इंस्टीट्यूट में तो एडमिशन कहाँ से लेगा। तो मैं यहाँ पर अगर एक और कोर्स ऐड करता हूँ, सपोज़ करो एंड्रॉयड का एक कोर्स मैंने ऐड कर दिया, और मैं ऐड करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा ऐड हो चुका है। तो फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और डेटा आ गया एंड्रॉयड, ओके। सो ये डायनामिकली चेंज होगा, जैसे आप अगर नया कोर्स ऐड करते तो ये चेंज होते रहेगा। तो मैं एंड्रॉयड के लिए एडमिशन लेता हूँ और डेट डाल देता हूँ मैं 23। और अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट, यहाँ पर GST लगती है, आपको मालूम है कि GST तो लगती है एजुकेशन पे भी। तो यहाँ पर CGST 9% और SGST 9% है। तो अगर मैंने जो अमाउंट डाला ना उसमें से 9% मतलब 18% GST ऐड होके पूरा टोटल अमाउंट यहाँ पर दिखना चाहिए, ओके। तो अगर मैं 1000 मेरे कोर्स का अमाउंट है तो उसमें 9% मतलब 9% 1000 का 90 रुपीज़, ओके, 180 रुपीज़ ऐड होके यहाँ पर टोटल हो जाना चाहिए, ओके। तो मैं जैसे इंटर करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर 90% GST 9% और SGST 9% होकर यहाँ पर टोटल अमाउंट आ गया, और वही टोटल अमाउंट वर्ड्स में भी हमें यहाँ पर दिख रहा होगा। और इसे यूज़र एड यहाँ से एडिट नहीं कर सकते, यहाँ पर बेसिकली एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो यहाँ पर अमाउंट रहेगा वही अमाउंट आपको यहाँ पर दिखे, और अब इसे भी एडिट नहीं कर सकते बिकॉज ये यहाँ इससे दोनों से कनेक्टेड, आप जो अमाउंट यहाँ पर डालेंगे उसका GST कैलकुलेट होकर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। और एक फील्ड है रिमार्क के लिए, लाइक अब कुछ भी रिमार्क देना हो जैसे स्टूडेंट के बारे में, लाइक उसका अगर ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है तो यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। कुछ लोग इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं, जैसे मैंने भी ऐसे ही किया था अपना पेमेंट, ओके। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ओके। तो अब सब डिटेल प्रॉपर है, तो अब देख सकते हो यहाँ पर मेरा नाम नहीं लिखा, अगर मैं प्रिंट करूँगा देखो यहाँ पर बोलेगा इंटर रिसीवर नेम, तो मैं यहाँ पर रिसीवर नेम भी डाल देता हूँ, क्यों फील्ड को ब्लैंक क्यों रखे भाई। तो यहाँ पे यूनिक डेवलपर डाल दिया मैंने, तो अब मैं प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हैं रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। और ये देखिए हमारा प्रिंटिंग पेज है, यहाँ पे हमें प्रिंट कराना होगा, ओके। तो जो पेमेंट मेथड था हमारा कैश था, वो इस बार मैंने कैश लिया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, क्योंकि कार्ड मैंने इसके पहले सेलेक्ट किया था और मैं बैग जाके मैंने कोर्स ऐड किया वापस आया, तो मैं शायद पेमेंट मोड मेरा कैश ही था, तो ओके। तो ये इस अब यहाँ पे दोनों एक प्यारे, इसका टेंशन मतलब इसका मैं आपको बता दूंगा।
ओके। तो ये देखिए रिसीवर, हमारा रिसीवर फ्रॉम, ये हमारे स्टूडेंट का नाम यहाँ पर आ जाएगा, डेट जो यहाँ पर सिलेक्ट किया, और जीएसटी नंबर कॉन्स्टेंट होता है शायद, इसलिए हर एक इंस्टीट्यूट का एक जीएसटी नंबर जो होता है कॉन्स्टेंट रखते हैं, जो टैक्स का जो बोलते हैं नंबर, वो कॉन्स्टेंट होता है, इसलिए ये चेंज नहीं होता है। तो इससे मैंने ये डेटाबेस में स्टोर नहीं है, ये यहाँ पर हमें दिखता ही रहेगा हमेशा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते कोर्स का नाम एंड्रॉयड है, उसका फीस था 1,090 रुपीज़ जी एस टी टोटल इतना हो गया, और ये हमारा वर्ड्स में आ गया, और ये रिमार्क था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था। ओके, तो अब मैं यहाँ पे एक प्रिंटिंग मॉड्यूल यहाँ पे प्रिंट कर सकता है यूज़र, तो मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको एक बार प्रिंट कैसे होगा। तो मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो आप इस तरह का कुछ विंडो ओपन होगा पॉपअप, तो यहाँ से देख सकते माइक्रोसॉफ्ट। अभी तो यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ मैंने अटैच सॉरी मैंने प्रिंटर अटैच नहीं किया है, नहीं तो डायरेक्ट मैं ये प्रिंटर सेलेक्ट करके डायरेक्ट प्रिंट कर सकता है। अभी हमें ये पीडीएफ में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं पूछ रहा कहाँ सेव करना है, तो मैं डेस्कटॉप पे अपने सेव कर लेता हूँ। नाम देता हूँ माय न्यू फीस। ओके, नाम माय न्यू फीस हो गया हो, कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया, मैं इसे ओपन करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा गाइस। से देखिए एक मिनट, तो देखिए अभी ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, तो इस तरह से आप फ्री फीस रिसीव भी प्रिंट करा सकते हैं। जो ये प्रोजेक्ट है ना, वो पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट है, आप टेंशन मतलब आपको, और ये बहुत इजी है, आपको लग रहा होगा कितना हार्ड है, बट बहुत ईजी होगा आपको जब बनाना शुरू करेंगे हम। ओके, तो ये हो गया। अगर सपोज़ यहाँ पे कुछ एरर गलतियाँ हो गई एडमिन से, कुछ डिटेल यहाँ पे नाम गलत आ गया, या कुछ भी गड़बड़ हो गया, लाइक डेट गलत हो गया या अमाउंट कुछ रॉन्ग हो गया, तो अब मुझे यहाँ पे देख सकते हो अब रिसिप्ट नंबर 10 है ये, तो मुझे एडिट करना है, तो मैं एडिट का यहाँ पर ऑप्शन होगा एक, यहाँ पर आप देख सकते 10 नंबर रिसिप्ट नंबर सारी डिटेल्स आ जाएंगी। और सपोज करो मुझे ओके, यहाँ पर एक आई थिंक यहाँ पे कुछ रॉन्ग हो गया, ये इस फील्ड में आना चाहिए और ये इस फील्ड में आना चाहिए ना, तो कोई बात नहीं, वो भी हम ठीक कर लेंगे। ये बेसिकली लगता है टेक्स्ट फील्ड ना, मैंने इस जब बैक डेटाबेस से वैल्यू लेते समय यहाँ पर मैंने इस टेक्स्ट फील्ड में वो ऐड कर दिया, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, आप इसका टेंशन मत लो। तो अगर सपोज अब मुझे पाइथन के लिए चाहिए, मैंने एंड्रॉयड के लिए सेलेक्ट किया था, मुझे पाइथन के लिए करना है, तो यहाँ पे फिर से मैं प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मैसेज रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, फिर ओके करूँगा, तो फिर देखिए आप यहाँ पर आ गया हमारा पाइथन कोर्स, इससे पहले हमने क्या लिया था, एंड्रॉयड कोर्स लिया था। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, एडिट भी हो सकता है हमारा। और फिर आप देखिए सर्च रिकॉर्ड, अगर एडमिन है तो अब उसे रिकॉर्ड भी सर्च करना होता होगा स्टूडेंट का, तो अब देखिए सर्च रिकॉर्ड करने के लिए भी हमारे पास एक मॉड्यूल है। तो अब मेरा आप ध्यान देंगे तो रिसीप्ट नंबर मेरा 10 था। ओके, तो मैं 10 डाल के सर्च करता था, अब देखो यहाँ पे पूरी डिटेल आ गई है, पेमेंट मोड मैंने कैसे पेमेंट दिया था, बैंक नेम कुछ नहीं होगा क्योंकि चेक से मैंने तो पेमेंट ही नहीं दिया था। तो यहाँ पे डिटेल डेट जो वाइट में दिख रहा है ना गाइस, उस वैल्यू मैंने डेटाबेस से फेच किए, तो अमाउंट यहाँ पर आ गया। ओके, अगर सपोज़ करो आप रिसिप्ट नंबर नहीं मालूम आपको, या एडमिन को रिसिप्ट नंबर नहीं पता, स्टूडेंट आया बोला मेरा रिसिप्ट तो घूम चुका है, तो एडमिन कैसे सर्च करेगा, तो मैंने सर्च बाय नेम एक ऑप्शन होगा, सर्च बाय नेम यहाँ पर नाम डाल के वो सर्च कर लेगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर सपोज करो नाम है, अब देख सकते हैं यहाँ पर यूनिक डेवलपर, बेसिकली मैंने एक बार पहले भी ऐड किया था इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है ये 8 नंबर वाला, और अभी हमने जो ऐड किया था वो 10 नंबर वाला था, 10 का था। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया। तो इस तरह से सर्च नाम नेम से भी सर्च कर सकते एडमिन। ओके, सो यहाँ पर सब हो गया। अब यहाँ आपने ये तो देखा होगा कोर्स कैसे ऐड करना है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी प्रॉपर वैलिडेशन है, अगर मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दिखाएगा प्लीज़ इंसर्ट रिकॉर्ड फर्स्ट, तो पहले रिकॉर्ड तो होना चाहिए तभी आप ऐड करोगे ना कुछ, तो अगर आप अपडेट करना चाहोगे तो भी ये मैसेज थ्रो करेगा प्लीज़ इंसर्ट रिकॉर्ड टू अपडेट। आप देखिए यहाँ पर अगर मैं रिकॉर्ड को सेलेक्ट करता हूँ थर्ड रिकॉर्ड को, तो वो यहाँ टेबल पर दिखने लग गया, और मैं यहाँ से इसे डिलीट कर सकता हूँ, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये डिलीट हो चुका है यहाँ से। ओके, तो ये डिलीट हो गया। अगर आप और आपको अगर मैं कंफर्मेशन दिखाऊं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था वो टेबल इससे कनेक्ट है, तो देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड नहीं दिख रहा क्योंकि हमने तो वो डिलीट कर दिया ना, तो कहाँ से दिखेगा। तो ये सब हो चुका और कुछ बचा है, तो यहाँ से हम रिकॉर्ड देख सकते हैं कितने रिकॉर्ड हमने ऐड किए, कितने लोगों ने एडमिशन लिया इस वीक इस महीने में या पूरे, और यहाँ पर देख सकते अभी एक
नया मॉड्यूल है व्यू रिपोर्ट। ओके, व्यू रिपोर्ट, अगर आपको रिपोर्ट देखना है कि इस महीने में कितना कलेक्शन हुआ, कितने लोगों ने इस कोर्स के लिए कितने लोगों ने एडमिशन लिया, सपोज हमें जानना है कि जावा कोर्स में, सॉरी पाइथन कोर्स में कितने लोगों ने एडमिशन लिया, तो पाइथन में तो सिर्फ मैंने अभी लिया था, और कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में लिया, तो मैं अगर 1 तारीख से 31 जैन का मैं रिपोर्ट देखना चाहूँ कि 1 जैन से 31 जैन के बीच में कितने लोगों ने पाइथन में एडमिशन लिया। ओके, तो मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 रिकॉर्ड मैंने ऐड किए थे, तो मैंने पाइथन में 2 एडमिशन लिए थे इन दोनों तारीख के बीच में, तो आप देख सकते टोटल कलेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है इतना हुआ है 2180। अगर आप इसको टोटल करोगे दोनों को 1000 और 1180 तो ये 2118 होगा, यहाँ पे वर्ड्स में भी दिख रहा होगा आपको। ओके, तो ये रिपोर्ट हो गया हमारा। तो अगर आप चाहते हो इसका बैकअप क्रिएट करना, या बैकअप क्रिएट करना चाहते हो कि मंथली रिपोर्ट बनाते हैं ना हम कि इस महीने में इतना कलेक्शन हुआ है, तो आप उसे एक्सेल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो मैं आपको भी दिखा बताऊँगा कैसे करना, वो भी बहुत ईजी है गाइस, आप टेंशन मतलब। तो आपको ब्राउज पे क्लिक करना है, और यहाँ पर मैं पहले पाथ देता हूँ कहाँ पर मुझे सेव करना है, तो मैं डेस्कटॉप पर ही सेव करता हूँ आपको बताने के लिए, और यहाँ पर नाम देना है, तो मैं इसे नाम देता हूँ माय बैकअप 3। ओके, क्योंकि मैंने 2-1 ले चुका है पहले, तो माय बैकअप 3। अब मैं इसे ओपन करता हूँ, तो ये पाथ है हमारा, और मैं इसे एक्सपोर्ट टू एक्सेल करता हूँ, तो ये हो चुका है ऐड, आई थिंक ये हो जाना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर एक फाइल बन गई एक्सेल की, मैं इसे ओपन करता हूँ, तो जो 2 रिकॉर्ड हमने फेच किए थे वो देखो यहाँ पर दिखेंगे हमें। ओके, तो स्टूडेंट नेम देख सकते, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आ गया, यूनिक डेवलपर, पेमेंट मोड था उसका कैश, और ये कोर्स कौन से कोर्स में उसने एडमिशन लिया था पाइथन में, ये अमाउंट, और ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था उसका, जो हमने रिमार्क दिया था इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने वाले थे ना, तो इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ओके, सो इस तरह से हम बैकअप भी ले सकते हैं, मैं इसे सेव नहीं करता हूँ। ओके, सो आई थिंक मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, अगर कुछ बचा नहीं होगा आई थिंक, तो ये हमारा अबाउट का सेक्शन है, इसमें हमें कॉपीराइट दे सकते हैं अपना, जो सभी देते हैं कि दिस सॉफ्टवेयर इज कॉपीराइटेड बाय दिस। ओके, एंड बस। ओके, सो गाइस, तो ये था इंट्रोडक्शन, अब यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं, और यहाँ से मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ। सो आई होप गाइस आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, और मैं आपको कैसे बनाना है इसे पूरी तरीके से समझाऊँगा, और कोडिंग के साथ आपको समझाऊँगा, आप इसका टेंशन मतलब, और बहुत ईजी है, आपको लग रहा होगा देख के बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत ईजी है। ओके, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप मेरे वीडियो को देख के सीख सके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।